हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो है लोअर बैक पेन के ऊपर और रेडिएटिंग पेन के ऊपर। जो लोअर बैक में प्रॉब्लम जो होता है उसकी वजह से जो डिस्क पेसिस है या डिस्क जो है उसमें अगर हर्निएशन, रप्चर या बल्ज होने के कारण जो वहाँ पे नर्व इम्पिंजमेंट होती है उसके कारण से नीचे जो झंझनाहट होती है और रेडिएटिंग पेन जो जाता है हमारे हैमस्ट्रिंग और काफ में, ये वीडियो उसके ऊपर है। ये वीडियो कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है, बट मैं ना आपके साथ प्रॉब्लम्स बताना चाहता हूँ कि क्या होता है जब भी कोई लोअर बैक पेन का इशू होता है और जब उसको तकलीफ होती है डेली रूटीन करने में, उस समय वो जाता है डॉक्टर के पास। अब जो डॉक्टर है वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो है उसको देखता है और बाद में साइक्लोबेंजाप्राइन या ऐसा कुछ देता है मसल रिलैक्सेंट जिसकी वजह से वहाँ पे खून पहुँचे और वो जो नमनेस है वो नमनेस का इशू सॉल्व हो। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली ट्रीटमेंट करने के बाद गारंटी नहीं है कि ये पेन टेम्पररी सबसाइड होता है, बट जो जड़ से जो प्रॉब्लम मिटनी चाहिए वो नहीं मिटती इससे। क्यों? क्योंकि आपका जो डिस्क है रप्चर हुआ है और कहीं पे डिस्क बल्ज है, डिस्क प्रोट्रूजन है, यानी जो डिस्क है वो बाकायदा थीकल सैक जो है जो कवर करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, उसको वहाँ पे टच हो रही है और उसके कारण से जो नर्व्स वहाँ से पास हो रही है वो नर्व्स को घड़ी घड़ी वो इरिटेट करती है जिसके कारण से रेडिएटिंग पेन होता है। तो ये आपको टेम्पररी रिलीफ देता है। तो बात यह है कि भाई परमानेंट रिलीफ क्या देता है? परमानेंट रिलीफ जो है वो मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए बहुत सारे परफॉर्मेंस एनहांसिंग स्टेरॉइड्स है, ये इसका थेरोपेटिक यूज हुआ करता था और थेरोपेटिक यूज जो जिसके लिए साइंटिस्ट ने इसको बनाया वो छोड़ करके इसको गलत जगह पे यूज करना चालू किया। तो मेरे हिसाब से जो नैंडोलोन डेकानोएट है यानी डिकाड्यूरोबोलिन, और उसके साथ ऑफकोर्स जब हम नैंडोलोन लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बॉडी में बंद हो जाएगा, तो इसके लिए टेस्ट इनान्थेट, अगर इसके थेरोपेटिक डोज को लिया जाए वंस इन अ वीक या 15 डेज डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट, तो क्या होता है कि जो अजॉइनिंग मसल्स है ना वहाँ पे, जैसे थोरेकोलुम्बर फेसिया हुआ, इनर अब्डोमिनल आउटर अब्डोमिनल मसल हुआ, उसके बाद क्वाड्रेटस लम्बारम हुआ, ये जितने भी मसल है, ये जितने ही मसल अगर स्ट्रांग हो गए तो वो एक अच्छा सपोर्ट देंगे लोअर बैक को। और ये सपोर्ट जो है, देखो जो डिस्क है वो एक बार रप्चर हो गई तो उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर मसल स्ट्रांग है अजॉइनिंग मसल तो वो प्रॉब्लम के आजू बाजू में एक सॉर्ट ऑफ रिपेयर वर्क हो गया जिसके कारण से होता क्या है कि वो स्ट्रेंथ रहती है और वहां पे नर्व इम्पिंजमेंट जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और इंसान अपनी डे टू डे लाइफ जी सकता है। डिस्क बल्ज हो या प्रोट्रूजन हो, जो भी हो, वो सब चीजें जो है वो, ये अगर आजू बाजू के मसल अजॉइनिंग मसल अगर स्ट्रांग है तो पूरी जिंदगी आदमी जी सकता है। अब इसका अगर उल्टा करते हैं कि अगर ये जो थेरोपेटिक यूज नहीं किया तो होगा क्या? अब इंसान वर्कआउट नहीं कर सकता जब उसको ये प्रॉब्लम्स है, तो धीरे धीरे वर्कआउट नहीं करेगा तो ये अजॉइनिंग मसल जो और वीक होते जाएंगे, डिटीरियोरेट होते जाएंगे, तो जो हमारे स्ट्राइड का डिस्टेंस है, जैसे नॉर्मल आदमी जो गेट पे चलता है, जो उसकी गेट होती है उसका एक 1 yard का समझो डिस्टेंस कवर करता है, 1 foot उसका, तो वो धीरे धीरे यार्ड जो है वो छोटा होते जाता है, उसकी स्ट्राइड छोटी होते जाती है और धीरे धीरे जापानीज औरत की तरह चलता है। तो अभी क्यों? क्योंकि उसके अजॉइनिंग मसल्स भी जैसे टाइम बढ़ता वैसे डिटेरियोरेट होते जाते हैं और वो बेड पे चला जाता है। अब इसमें होता क्या है कि पहले इंसान जाएगा डॉक्टर के पास, फिर जाएगा किरोप्रैक्टर के पास, डॉक्टर जिंदगी में उसको स्टेरॉइड्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो डिपार्टमेंट जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलेगा कि भाई आपके पूरे बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा है वो नॉर्मल है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन क्यों दूं, मैं आपको डेकाड्यूरोबोलिन क्यों दूं, आपको जरूरत नहीं है। जो वो ऑर्थोपेडिक नहीं है, उसका काम है भाई वो चीज के बारे में देखना। और जो ऑर्थोपेडिक है वो बोलेगा भाई ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, जो स्टेरॉइड्स है वो स्टेरॉइड जो है वो आप जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो बेसिकली पासिंग द पार्सल होता है और उसमें जो लौंडा लौंडी जो भी, जो लड़का लड़की जो भी होता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होती जाती है धीरे धीरे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहे, मैं ये बोल रहा हूं कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन सिंक्रोनाइजेशन। और अगर कोई इंसान करता क्या ना मरता
करता कहने मरता कहना करता, अगर कोई इंसान इतने प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि वो आखिर में एक स्टेज पे ऐसा आ जाएगा यार मैं एक डेड मीट वेजिटेबल बन रहा हूँ, धीरे धीरे उसकी बेड पे रहने की जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ती जाए, वो सीधा बैठ ना सके कुर्सी पे, तो ऐसे समय पे आप किस हद तक उसको ये नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट दोगे, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरी बात, ये सवाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग लोअर बैक पेन से जूझते हैं, उनको ये लोअर बैक पेन जो होता है वो जब MRI कराए तो पता चलता है कि ये पेन जो है वो रेडिएटिंग पेन स्पेसिफिकली, ये डिस्क के रप्चर या डिस्क के बल्ज या डिस्क के प्रोट्रूजन के कारण होता है। हाँ, जो लोकल बैक पेन होता है वो आप किसी भी मसाज थेरेपिस्ट के पास जाके, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के पास जाके आप उस मसल को रिलीज करा सकते हो, वो मसल में जो नोड्स आ जाते हैं उसको रिलीज करा करके वो प्रॉब्लम, वो 90% वो ही होता है, तो वो तो बहुत उसके लिए कोई स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर कोई इंसान ये सब से देख लिया उसने कि भाई मेरे को तो डिस्क का इशू है, चलने के वांदे हैं, तो फिर आदमी क्या करेगा? अगर डॉक्टर तो बोलेगा भाई यही इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो अपना लाइसेंस जो है वो, आप उसके कौन से सगे लगते हो, आप कौन हो उसके डॉक्टर के, आप एक पेशेंट हो, तो वो जो WHO की गाइडलाइन है उसके ऊपर काम करेगा। और मुझे सख्त दिक्कत है WHO की गाइडलाइन से, सख्त दिक्कत है, क्योंकि वो लोग इसको एक ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया है कि आउट ऑफ द बॉक्स तुम जा ही नहीं सकते। अरे सिचुएशन देखो, आउट ऑफ द बॉक्स है साला, तुम इनसाइड द बॉक्स हमको कैसे सिखाओगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। और क्या है कि अगर कल उठ के आपने कंप्लेंट कर दी कि डॉक्टर ने मेरे को ये स्टेरॉइड दिया, तो डॉक्टर का तो लाइसेंस पक्का जाएगा, तो डॉक्टर क्यों रिस्क करेगा? तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा सिचुएशन डॉक्टर्स के लिए भी होता है, कि उनको अगर सब पता भी है ना तो भी वो आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, पावर लिफ्टिंग की फील्ड में। और हाँ, एक और बात, बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग की फील्ड में किसी को बैक का इंजरी होने के चांस कंपैरेटिवली कम है, मगर जिसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर पे मुंडी नीचे करके वो अपना काम कर रहा है कॉल सेंटर में, या तो फिर वो वीडियो गेम खेल रहा है 8-8, 10-10 घंटे, उसकी स्पाइन की हेल्थ ज्यादा डिटेरियोरेट हो सकती है, क्योंकि वो तो साला वर्कआउट ही नहीं कर रहा है, उसके तो मसल ही नहीं डेवलप हुआ, उल्टा को अट्रॉफी हो रही है धीरे धीरे। तो ये अभी एक गलत मान्यता है कि बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टरों को बैक की इंजरी ज्यादा होगी, नहीं, उनको बैक की इंजरी तब होगी जब वो लोग ने हिसाब से ज्यादा वेट उठा लिया और कुछ रप्चर हो गया, ऐसा कुछ हो गया, वो बहुत कम सर्कमस्टांसेस में होता है। ऐसा एक एग्जांपल सबके मुंह में है, रोनी कॉलमैन का। रोनी कॉलमैन ने क्या गलती की? वो 800 पाउंड का जो डेडलिफ्ट मारा, 800 पाउंड का जो स्क्वाट मारा, वो 800 पाउंड के ऐसे 10 रेप मार सकता था 1x1 अगर वो गेनिंग फेज में होता तो। अब वो भाई साहब कटिंग फेज में थे। कटिंग फेज में क्या होता है कि आपके ग्लाइकोजन लेवल भी डिप्लीटेड होते हैं और आपके अंदर चर्बी के परसेंटेज भी कम होते हैं, तो ऐसे समय जब आपका ग्लाइकोजन जो है वो डिप्लीटिंग स्टेज पे होता है, आप एंटी ईस्ट्रोजन ले रहे हो, अरोमाटेज इनहिबिटर्स ले रहे हो, वैसे समय पे आप अगर हैवी वर्कआउट किए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंजरी होने के चांसेस होंगे, क्योंकि आपके बॉडी में ओवरऑल फैट परसेंटेज कम हो चुका है। तो अगर वो रोनी कॉलमैन ने वो 800 पाउंड अपने गेनिंग में उठाया होता ना, तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो आराम से उठा लेता। वो बेसिकली पावर लिफ्टर से ही बॉडी बिल्डर बने थे, बट ये बैड लक। और कुछ हद तक देखा जाए तो क्या होता है, एक स्टेज के बाद इंसान बोर हो जाता है नॉर्मल लाइफ जीने से, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए अपनी लाइफ में, तो उसमें उसका ये हो गया, ऐसा मेरा मानना है। अगर वो अपने होशो आवास में गेनिंग में ये सेम चीज करता तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। और ऐसे भी कटिंग साइकिल में 800 पाउंड का डेडलिफ्ट उठा के उसको कोई मसल का हाइपरट्रॉफी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उस समय सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग ही करते, ये तो ताओ में आकर योद्धा ने तलवार उठा ली और धनाधन देना चालू कर दिया। तो दोस्तों मुद्दा ये है कि अगर किसी को बैक की इंजरी और उसको कोई भी इलाज नहीं, कोई भी, वो सब थक गया, कीरोप्रैक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास गया, सब गया, तो वो लास्ट लाइन ऑफ रिसोर्स क्या है उसके लिए? मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये लास्ट लाइन ऑफ रिसोर्स है, मगर
मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि डेकाड्यूरोपोलिन की जो हीलिंग कैपेसिटी वो इतनी अच्छी है कि इंसान अपना डे टू डे रूटीन बहुत अच्छे से कर सकता है. बैक एक्सटेंशन और ये जो भी फिजियोथेरेपी का जो वर्कआउट होता है, जो उस मसल को, जॉइनिंग मसल को वो हाइपरट्रॉफी देगा, ऐसे सब वर्कआउट और सब कुछ करने के बाद होता क्या है, एक तो क्या होता है हमारा जो वो पार्ट है ना वहां पे खून बहुत कम पहुंचता है. ठीक है, खून कम पहुंचता है, कार्टिलेज के बीच में जो साइनल फ्लूइड्स होता है वो भी डेका बढ़ाने का काम करता, तो वो एक वंडर ड्रग है मेरे हिसाब से, अगर उसको अब्यूज ना किया गया तो. मैं स्टेरॉयड के फेवर में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि अगर किसी को उसका, उसके बिना उसका नहीं होने वाला कुछ भी, उसने सब कुछ ट्राई कर लिया है तो उस समय तो वो अमृत हुआ ना. तो पॉइंट ये है, जैसे कि छोटे बच्चे को ब्रांडी पिलाते हैं एक ढक्कन छोटा सा ताकि उसकी गर्मी निकल जाए, उसको फेफड़े में अगर कफ भरा है तो वहां पे भी थोड़ी ब्रांडी उसको चिटकाते हैं ताकि उसको गर्मी हो जाए और वो कफ बाहर निकल जाए. लेकिन साला कोई अगर एक एक पाइंट ब्रांडी की पी जाएगा तो वो डेफिनेटली उसके लिए अच्छा नहीं है. तो ये मेरा मुद्दा है, ये मैं बोलना चाहता हूं, और ये बोलने के पीछे का कारण था आज एक 24-25 साल का छोटा सा लड़का मिला और उससे ये बात हुई कि उसको बैक का इंजरी और सब कुछ है, उसने पिछले 5 साल से वो झक मार रहा है, 5 साल से डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर उसको 5 साल में ठीक नहीं कर पाया, दैट इज माय प्रॉब्लम. 5 साल में डॉक्टर उसको डिटेरियोरेट किया, धीरे धीरे उसकी स्ट्राइड के डिस्टेंस कम होते लगे. और ये एक नहीं है, मेरा एक बहुत करीबी, मेरा भाई भी इसमें से निकला, और ठीक है वो तो मेरा भाई था तो ऑफकोर्स मैं उसके साथ तो ऐसा होने ही नहीं दूंगा. तो आज वो चल रहा है अपनी लाइफ जी रहा है और आई एम हैप्पी अबाउट इट. द थिंग इज दैट एंड में मरता क्या न करता. दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड. मुझे ये प्रॉब्लम सिस्टम से है कि भाई सिस्टम को थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए या ऐसे डॉक्टर पैदा करने चाहिए जो इस टाइप का, जिनके पास अथॉरिटी हो ताकि लोगों का भला हो सके. एंड ऑफ द डे दैट इज ऑल आई वॉन्ट. सो अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करूंगा, तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग, हैव अ नाइस डे.